हर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचिमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचिमद्भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग रथ यात्रा की प्रसंग में विशेष करके गुंडीचा मार्जन लीला तथा लक्ष्मी जी का विजय ये सब कथा हम लोग ने श्रवण किया, किंतु बीच में कथा महापुरुषों के आविर्भाव तिरुभाव तिथि भी है, इसलिए भगवान की कथा अपेक्षा भगवभक्त की कथा श्रवण करना चाहिए। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, वैष्णव की गुणगान श्रवण कीर्तन करने से हमारे मंगल होगा, यानी माया से हम छुटकारा मिले। इसलिए कहते हैं वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, दो भागवत, एक ग्रंथ भागवत एक भक्त भागवत। इसलिए ग्रंथ भागवत अपेक्षा भक्त भागवत की पूजा अधिक शास्त्र में कहा गया। पूजा माने उनकी प्रीति कहा जाता है, जैसे गुरु पूजा कहते हैं। पूजा की अक्तुल तात्पर्य होता है उनकी प्रीति सेवा है। अभी अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में और संक्षेप में अल्पभाषा में उन्होंने बताया, ये प्रभुपाद की जितने अंतरंग पार्षद प्रवर थे उसमें भक्ति कमल मधुसूदन महाराज की जीवन चरित, आचार विचार वैशिष्ट, उनकी सिद्धांत, ये सब आप लोगों ने श्रवण किया। वास्तव रूप में जिन लोगों ने नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सनातन भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद की चरण स्पर्श कर लिया, वास्तव रूप में सब परसमणि के स्पर्श प्राप्त, क्या बोले, परसमणि के स्पर्श प्राप्त करके जैसे लोहा जैसे सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद की जिन लोगों ने आश्रय किया, चरण आश्रय किया, उनकी चरित्र वर्णन करना दुस्साध्य है, इतने सहज नहीं। इसलिए तो लिखते हैं बृहत विषभानुसुता द्वैतानुचरं चरणाश्रित रेणु धर महत महत अद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। महत के चरण कमल के आश्रय जिन्होंने कर लिया है और उनके जीवन में और क्या रह गया, इसलिए कहते हैं इस भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद के जितने चरणाश्रित जन है वे सब एक एक महान थे। जैसे भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति रखर श्रीधर गोस्वामी महाराज, जितने भी थे कितने महान हुए जगत के, सभी उन्होंने
प्रेम दे करके सबको उच्छलित किया। क्योंकि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे कि सद्गुरु जो है वो शिष्य नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गुरु गुरु बनाते हैं, शिष्य बनाते नहीं है। जब कोई गुरु के चरण में संपूर्ण रूप में समर्पित हो जाता है तब गुरु उसको क्या बनाते हैं, गुरु ही बनाते हैं, शिष्य नहीं बनाते हैं है। तात्पर्य क्या है, गुरु अपने धन को जो है शिष्य के हृदय में सब कुछ दे देते हैं, अढ़ेल दे दे, अढ़ेल समझते हो माने पूर्ण रूप से उसको दे देते हैं है। उसी कड़ी में हम देखते हैं ये नित्य लाभ निष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशीर भक्ति कमल मधुसूदन महाराज के जीवन चरित कितने मधुर, जिसके लिए गौड़ीय वेदांत समिति भी उनके लिए आभारी है, है? क्यों, अभी आपने श्रवण किया ये भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज श्रील केशव गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में ही प्रचार आदि करते थे, और प्रचार के फल उन्होंने किसको दिया है, भक्ति भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के लिए। वो प्रचार को फल के क्या मिला उनको है, हम प्रचार में जाते हैं, प्रचार की फल क्या है, है? फूल को जो है, संग्रह करना है? फूल को संग्रह करना, प्रचार में जाकर के अर्थ आदि संग्रह करना, ये तो क्या बोलते हैं इसको, आनुषंगिक कहा जाता है, है? आनुषंगिक कर धन आर्थिक संग्रह करना ये हमारे प्रचार के मुख्य कारण नहीं है। प्रचार की मुख्य कारण है और मुख्य उद्देश्य क्या है ना, भगवान की सुंदर बगीचे में सुंदर सुंदर जो पुष्प खिले हुए हैं उस पुष्पों के जो है फूलों के जो है, है चुन करके राधा गोविंद के चरण में अर्पित करना, अथवा अपने गुरु परंपरा की चरण में अर्पित करना है। श्रील गुरुदेव की श्री नारायण गोस्वामी महाराज के एक लेख में ऐसे लिखा उन्होंने है, ये प्रसाद के कहते गुरुदेव एक बार कहा, एक व्यक्ति आया कहते गुरुदेव मैंने बहुत सुंदर प्रचार किया। बोले क्या प्रचार किया, मैंने जब हरिकथा बोले हजारों लोग आए, बहुत लोग आए है, बहुत सुंदर रूप में किया है। तो गुरुदेव ने कहा कितने लोगों के तुमने कृष्ण भक्ति में कन्वर्ट किया ये बात बताओ। लोग आए कथा सुन करके चले गए है, कुछ दान दक्षिणा दे करके चले गए, चलो 100 रुपया 50 रुपया जो दान दक्षिणा, यह प्रचार नहीं है, ये तो गौण फल कहा गया। ठीक है कोई भगवान के सेवा के लिए पैसा देते हैं, ठीक उस पैसा जो है धन हम गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगा देते हैं, ये तो अच्छा है, किंतु गौण फल है। प्रचार के मुख्य फल क्या है, एक व्यक्ति के जो है भगवत सेवा में लगाना, इतने सहज नहीं है, है? इसलिए प्रभुपाद भक्तिवंत प्रभुपाद कहते थे यदि तुम्हारे शरीर के 400 गैलन खून तुम बहा सकते हो, सुखा सकते हो, तब एक व्यक्ति के माया के कबल से उठा करके भगवत सेवा में लगा सकते हो, यही तुम्हारे प्रचार है। और भक्तिवंत प्रभुपाद भी कहा है जीवन तुम्हारे सार्थक होगा यदि एक व्यक्ति के जीवन में यदि भजन में लगाया है। आया समझ में, बोले कितने लोग तो आए हैं, बोले कितने लोग आए कितने लोग चले गए आना जाने की संसार में कम नहीं है, है? किंतु वास्तव रूप में उसकी भजन में लगाना है ये सहज नहीं है, कितने खून को तुम एक खून को तुमको देना पड़ेगा। बोले चार कितने गैलन
400 गैलन, है एक गैलन कितने होता है 4.55 किलोग्राम होने से एक गैलन होता है। तो आप हिसाब लगा दीजिए, 400 गैलन खून है, माने उसके इतने एनर्जी उसको देना पड़ता है, तब वो व्यक्ति भजन में आएगा है। फल तो वही है, आसन कितने व्यक्ति के तुमने जीवन में, कितने व्यक्ति के भक्ति में लगाया, और भक्ति में तो लगाया अपने भी कितने भक्ति किया है। इसलिए एक व्यक्ति के भक्ति में लगाना इतने सहज नहीं है। इसलिए हम पहली जो कहा भक्ति कमल मधुसूदन महाराज की जीवन चरित बताते हैं, गौड़ीय वेदांत सुविद उनके लिए आभारी किस लिए है, उन्होंने ऐसे सुंदर प्रवचन किया है। उस समय उनके नाम था क्या, नरोत्मानंद ब्रह्मचारी। गुरुदेव संग बखान करते थे है, उनके कोई शिष्य जब मथुरा मठ में आते थे है, गुरुदेव मैं संग सुना गुरुदेव उनके कहते थे है, देखो मेरा जो गौड़ीय मठ की आने के जो ये मूल उत्सव जो है तुम्हारे गुरुदेव है। शिल गुरुदेव शिल बावन नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे है, मैं तो मेरा तो बिहार में जन्म और मैं पुलिस इंस्पेक्टर भी थे है, किंतु एक दिन ये नर्तमानंद ब्रह्मचारी इतने सुंदर प्रवचन दिए, उनके कथा सुन करके मैं बहुत प्रभावित हूँ है। काम कहाँ राम भजन करने वाली है, गुरुदेव कहते थे जो जो हम बक्सर में जो है उनकी परंपरा के अनुसार सभी लोग क्या भजन करते थे, राम भजन करते थे है। हम भी देखा गुरुदेव की इतने उत्साह और राम है, राम कथा में उत्साह, जहीं राम कथा है ना गुरुदेव इतने उत्साह होते थे। देखो 2008 और 9 में गुरुदेव भी इतने उत्साह होने लगे है, मुझे जो है वो सीता जी के जो है जन्म स्थान मुझे दर्शन करना है, है उसके गुरुदेव की लेख इसमें पढ़ना। और अंत में गुरुदेव वो गए थे और उन्होंने कहा मेरा जो है सफल हो गया है, नेपाल में सीता जी के जो जन्म स्थान है उन्होंने दर्शन किया। अंत में आई थिंक 2008 और 9 में है उन्होंने गए थे। तो गुरुदेव भी अपने जीवन चरित कहते थे है, ये राम की भजन में मेरा उत्साह है, किंतु देखो ये नर्तमानंद ब्रह्मचर्य की प्रवचन सुन करके है, राम अपेक्षा कृष्ण की जो सर्वोत्कर्षता सर्वोत्कर्षता है सुन करके मैं बहुत प्रभावित हुए। और विशेष करके कृष्ण अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु की अवदान और वैशिष्ट सुन करके मेरा हृदय बिल्कुल द्रवीभूत हो गया, गुरुदेव स्वयं कहा है। तो अब उसने मैंने गुरुदेव ने कहा मैंने सब कुछ छोड़ करके मैंने मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के शव गोस्वामी महाराज के चरण कमल में आश्रय लिया है, सब कुछ छोड़ करके आया। तो इसलिए गौड़ीय वेदांत समिति उनके भक्ति कमल मधुसूदन महाराज के लिए आभारी है, जिन्होंने ऐसे महापुरुष को जो है लेकर के आए। और त्रिविक्रम महाराज जी के बारे में भी बताया है, त्रिविक्रम महाराज जी इनकी कथा सुनकर के प्रभावित हुए कि नहीं हुए मैं नहीं जानता। त्रिविक्रम महाराज जी कहते थे उन्होंने कोई भागवत की, जो त्रिविक्रम महाराज जी मैंने सुना, त्रिविक्रम महाराज जी का एक दिन मैं भागवत पढ़ते पढ़ते यही श्लोक को मैंने अध्ययन किया, लब्धा सुदुर्लभिदं बहु संभवान्ते है। इस कथा को सुन करके मेरा इतने मैं ये हो गया, हृदय द्रवीभूत हो गया, मैं सब कुछ छोड़ करके मेरे गुरुदेव के चरण में मैं आश्रय लिया, जो त्रिविक्रम महाराज जी के सुन, अपने पत्नी को छोड़ दिया, अपने जो सर्विस करते सब कुछ छोड़ दिया है। बहुत सुंदर कथा आपने भी बताया है, ये भक्ति कमल मधुसूदन महाराज की जीवन चरित कितने सुंदर है।
है, क्योंकि बीच बीच में वैष्णवों की जीवन चरित कथा श्रवण करने से हमें भी भजन में उत्साह मिलता है। ये पूर्व आचार्य है कैसे अपने भजन किया, अपने जीवन की आदर्श दूसरों के लिए कैसे रख करके गए। महाजन जो होते हैं अपने जीवन की आदर्श रूप रख करके जाते हैं, इसलिए सिलप भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एक शब्द में लिखते हैं, इस जगत में आने जाने व्यक्ति की कोई कमी नहीं है, कितने लोग संसार में आते हैं, कितने लोग संसार से चले जाते हैं, जन्म मृत्यु सिखाते हैं, किंतु उसी लोगों की आने जाने की सार्थक है इस संसार में। जो लोग इस संसार से जाने के पहले अपने जीवन की कोई एक विशेष वैशिष्ट के बच्छाप को जो है छोड़ करके जाते हैं, जिसको देख करके परवर्ती काल में लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसी व्यक्ति के इस संसार में आने जाने की यथार्थ कहा जाता है। जैसे हम साधारण रूप में पहले देखें, बड़े बड़े कवि लोग, साइंटिस्ट और क्या बोलते हैं, जो देश के लिए जो ये देते हैं, स्वतंत्र हैं, क्या बोले, स्वतंत्र सेनानी हैं, ये सब भी देखा गया है। बड़े बड़े डॉक्टर आदि जो कुछ भी है, जिसके लिए आज भी हमारे निकट वो प्रातस्मरणीय है, वो है स्कूल कॉलेज में ऐसे महान व्यक्ति की भी आज तक भी उनकी स्मरण करते हैं, है कि नहीं। किंतु देखो उससे श्रेष्ठ कौन है, ये परमार्थिक जगत में ऐसे महान व्यक्ति आकर के अपने भजन प्रणाली वैशिष्ट हमारे लिए रख करके गए। जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री जुब गोस्वामी पाद है उसी परंपरा में आई, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति गौरकृष्णदास बाबाजी महाराज, श्री भक्ति सिद्धांत, श्री सरस्वती प्रभुपाद है, और फिर उनके जो जितने गण है, फिर श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज, ये सब महापुरुष जगत में आकर के थे अपने जीवन की आदर्श भजन प्रणाली हमारे लिए रख करके गए हैं, तो उसी के जीवन की सार्थक है। नहीं तो इसमें आने जाने में कितने लोग आते जाते हैं, कौन गिनती रखते हैं है? तो इसी कड़ी में हम जिस महापुरुष की आज विरह तिथि हम मना रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं है? ये भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज के बारे में आप लोग ने श्रवण किया है, बंगाल में उन्होंने आविर्भूत हुए है, और संभ्रांत उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, सन्नाल परिवार में है, और किंतु उन्होंने क्या करते थे, आप लोग ने श्रवण किया है, अमृत बाजार बंगाल में जो पत्रिका होते हैं है, संवाद पत्रिका जो है अमृत बाजार पत्रिका के, वो क्या थे, रिपोर्टर थे है, और एक बार प्रभुपाद से मिले, जिस करके मठ में आए, और जैसे आप लोगों ने श्रवण किया जो समय चित्र आदि जो दिखाते रहते हैं उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट लिया, ब्रह्मचारी लोग बताया। पहले प्रभुपाद के समय में जो है प्रचार की विशेष एक वैशिष्ट क्या था, ये समस्त चित्र आदि को प्रदर्शनी को दिखाया जाता था है, जिससे देख करके लोग बहुत प्रभावित होते थे है। आज जैसे आप लोग ने श्रवण किया ये क्या बोले, शालिग्राम से बादाम तोड़ना
तात्पर्य क्या है? ये तो आपने सुन लिया है, क्या तात्पर्य क्या है? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है जो भगवत भजन आदि करते हैं है? उससे भगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं है, है? लोग पूजा आदि करते हैं और भगवान से क्या मांगते हैं है? जड़ वस्तु मांग लेते हैं, एक रुपया चढ़ाते हैं और चौखट के अच्छी तरफ से दबाते हैं। देखा आपने? यहाँ तो देखते नहीं, हमारे मथुरा मठ में हम जब प्रवचन करते हैं बैठते हैं, लोग आते हैं है? सेठ लोग आते हैं और ऐसे ऐसे वो उसको दबाते रहते हैं है? और 2 रुपया 10 रुपया चढ़ा देते हैं और हमें क्या पैसा दो है? हमारी दुकान ठीक से चले है? लाखों रुपया मांग लेते हैं है? एक सत्य घटना मैं भी इसमें बताता हूँ। यही बांके बिहारी मंदिर की कथा हम लोग श्रवण किया किसी वैष्णव के मुखार विंद से। एक सेठ जी आए, बहुत सेठ जी, बहुत पैसा वाले। तो भाई सेठ सेठानी आए, उनके अगल बगल में भी है बहुत लोग आए हैं है? 8-10 कार भर करके आए हैं सेठ सेठानी है आए। तो भाई उसमें मंदिर में तो हम लोग की तो गिनती नहीं है। सेठ सेठानी जब होते हैं है? सुंदर माला और ठाकुर जी के लिए वस्त्र है, लाखों रुपया की है प्रेजेंटेशन ले आते हैं तो पंडाल लोग उसके पीछे चलते हैं। अच्छा गए और ठाकुर जी के चढ़ाया, उनके लिए ठाकुर जी के दर्शन बिल्कुल अंदर में दर्शन कराया है, दर्शन करा करके और वो ठाकुर जी की प्रार्थना किया। जैसे उसके बाहर आ गए, जब बाहर आ गए एक छोटा बच्चा कहे बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी 1 रुपया दे दो। सेठ जी बोले काम नहीं करते हो, भीख मांगते हो, काम नहीं करते हो भीख क्यों मांगते हो, भीख मांगते क्यों, चल मेरे गाड़ी साफ कर है, भीख क्यों है। उतने समय वो बालक नहीं था, वो साक्षात भी बांके बिहारी था, कहने लगे बोले मैं तो 1 रुपया भीख मांगा और आपने कितना मांगा? बड़े भिखारी आप तो बड़े भिखारी, तो मैं छोटा भिखारी हूँ। देखो है आप तो बड़े भिखारी है। वो सेठ जी गुस्सा हो गया, मैं भिखारी हूँ? बोले क्या भिखारी नहीं है, ठाकुर जी के पास आप कितना पैसा मांगा? 1 करोड़ रुपया मांगा। ठाकुर जी मेरे बिजनेस ठीक से चल जाए मेरे 1 करोड़ रुपया घाटती होगा है, इसके कर दो। तो मांगा कितना? 1 करोड़ रुपया। तो बड़े भिखारी कौन है? और मैं तो मांगा 1 रुपया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। अच्छा ये सब क्या है? भगवान के पास हम ऐसी भिक्षा मांगते है? अरे मांगना क्यों है? यदि भगवान के पास मांगना है तो एक चीज मांग लो। क्या मांग लो? सेवा मांग लो। न धनंग न जनंग सुंदरिंग कवितांग बा जगदीश कामे मम जन्म जन्मनिश्री भवता भक्ति अहितु कितो। भगवान से मांगो क्या? भक्ति तो मांगो है। ये धन संपत्ति जो तुम्हारे पूर्वजन्म के जो कर्म के वो तो आएगा। पूर्वाद गच्छितं धर्मं पूर्वाद गच्छितं कर्मं पूर्वाद गच्छितं विद्यां पूर्वं धावति 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 है, वो तुम्हारे कर्म के अनुसार आएगा, कहाँ जाएगा है? भगवान के पास आए हैं तो मांगो क्या? भक्ति मांग लो है, यही तो कहते। तो मेरा कहने की बात, गुरुदेव ने एक बार कहा प्रचार की मूल क्या है? हम कहते हैं हमारे प्रचार सक्सेसफुल हो गया। क्या सक्सेसफुल हुआ? कुछ पैसा लेकर के गुरुदेव के चरण में दे दिया, ये यथार्थ नहीं, ये गौण फल है। मुख्य फल क्या है? अपने कितने व्यक्ति के जो है गुरुदेव के चरण में समर्पित किया है, यही प्रचार है यथार्थ रूप में।
मैं इसलिए कह रहा था यह पर जो कहते हैं गुरुदेव सिंह कहा है भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जिसका नाम नृत्मानंद ब्रह्मचारी, उनकी कथा को सुन करके और विशेष करके महाप्रभु के जो विचार वैशिष्ट है वो सुन करके मैं बहुत प्रभावित, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ करके मैं अपने गुरु नित्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण में अपने को समर्पित किया। इसलिए ये भक्ति कमल मधुसूदन महाराज भी कैसे प्रभुपाद के चरण में आए, आप लोग ने श्रवण किया, जब ये समस्त कथा को श्रवण किया उन्होंने, वो तो रिपोर्टर संवाददाता के रिपोर्टर थे वो, किंतु जब भक्ति भक्तिहंत प्रभुपाद के साथ साथ जब मिले और उनसे जब कथा हरि कथा आदि श्रवण किया, तब तो उन्होंने विचार करने लगे वास्तव जीवन की तात्पर्य क्या है, जीवन की तात्पर्य है भगवत भजन करना है। यदि जीवन में भजन नहीं किया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा है? और ऐसे महापुरुष के से वंचित हो जाओ। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ के जो प्रिय जन जो है ऐसे महापुरुष के दर्शन अतीव दुर्लभ है। एक तो मानव जीवन दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ क्या है ऐसे वैकुंठ की यानी भगवान की पार्षद नित्य जन की दर्शन, ये दुर्लभ है। इसलिए उन्होंने क्या कि सब कुछ छोड़ करके भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद के चरण में अपने को समर्पित किया और प्रभुपाद ने उसके नाम मंत्र आदि दीक्षा देके उसको क्या नाम रखा, नरोत्मानंद ब्रह्मचारी में नाम है। और देखो फिर वे मुंबई में भी गए, प्रचार भी किया बहुत सुंदर है, वक्ता बहुत सुंदर स्पष्टवादी वक्ता भी थे है, अंग्रेजी बंगला भाषा में इतने सुंदर हरि कथा बोलते थे, जिस कथा को सुन करके उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता आदि भी है आश्चर्य हो गए है। विशेष करके भक्ति भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी महाराज है आश्चर्य, कितने सुंदर हरि कथा बोलते थे है। इनकी ये एक विचार वैशिष्ट जो है वैष्णव सेवा के प्रति एक आदर्श उन्होंने दिखाया है। एक बार मठ में जो है कुछ वैष्णव लोग आए हैं है, और फिर उनके प्रसाद आदि देना है, किंतु उस समय ठाकुर जी की भोग राग जो है वो आरती नहीं हुई, भोग नहीं लगाया, तो उस समय भक्ति कमल मधुसूदन महाराज ने क्या कहा, देखो वैष्णव लोग आए हैं है, जैसे ठाकुर जी के लिए जो जो कुछ भी रसोई बनाया उसके अभी क्या करो, उसके अग्रभाग को परस करके रखो, परस समझते हैं थाली में रखो है। पुजारी अपने समय के अनुसार ठाकुर जी के भोग लगाएंगे है, किंतु वैष्णव की सेवा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने किया कि ठाकुर जी के जो भोग जो है उसके अग्रभाग है रखा गया और बाकी जो प्रसाद वैष्णव के समस्त वैष्णवों के जो है वितरण के, जैसे कभी भी हम लोग भी मठ में देखते हैं है, जैसे कोई बड़े बड़े उत्सव होता है रसोई बनाने में भी देर हो जाता है रसोई बनाने के बाद सब कुछ बनाने के बाद ठाकुर जी के भोग लगेगा डेढ़ बज गया है, वो पकड़ी बना रहे हैं कोई और कुछ बना रहे हैं है, कोई पकड़ा बना रहे हैं कोई जिलेबी बना रहे हैं कोई पूड़ी बना रहे हैं है, तो ऐसे बनाते बनाते देर तो दो बज जाते हैं, फिर ठाकुर जी के भजन भक्त वत्सल करेगा फिर आरती उतारेगा और बाहर से जो वैष्णव लोग आए हैं है, तो वैष्णव लोग इतने समय तक कैसे रुकेंगे कैसे है। इसलिए हम लोग भी देखा ये क्या कर किया जाता है उस समय ठाकुर जी के भोग के लिए अलग रख दिया जाता है और फिर आरती के पहली वैष्णव के जो है प्रसाद दिया जाता है।
क्योंकि शास्त्र में भगवान भी कहते हैं आमा हईते आमार भक्तेर सेवा बड़ो, है मुझसे भी मेरे भक्त की सेवा जो श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वैष्णव सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मधुसूदन भक्ति कमल मधुसूदन महाराज ये विचार दिखाया है। ये ठाकुर जी के पुजारी जब अपने समय के अनुसार भोग लगाएंगे, किंतु जो वैष्णव लोग आए हैं वैष्णव की सेवा है। और विशेष करके गुरु वैष्णव की अनुगत्य में सेवा ही हमारे परम धर्म है। जो लोग स्वतंत्र रूप में सेवा करना करते हैं भगवान उसकी सेवा ग्रहण नहीं करते हैं। आश्रय लइए भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मारे अकारा। वैष्णव के अनुगत्य में गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हमें सेवा होनी चाहिए हैं। इन्होंने ये भी दिखा हैं। देखो उनकी जीवन की चरित्र और भी दिखे, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के प्रति किस प्रकार जो है भावना आदि रखते हैं। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया, दीक्षा गुरु के जानियो तामी जानियो तुम्हें ताहारो रूप, शिक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहारो स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। चैतन्य चरितामृत दीक्षा गुरु के क्या कहा जाता है, भगवान के रूप माना जाता है, और शिक्षा गुरु के क्या कहा जाता है, ताहारो स्वरूप। रूप और स्वरूप में क्या भेद है, रूप क्या है स्वरूप क्या है, भगवान में जो है भेद कुछ नहीं। देह देही भेदानस्ति, भगवान की देह और देही में कोई भेद नहीं है। जीव में जो है बद्ध जीव में देह और देही में भेद है। आपके देही कौन है बताओ, क्या समझा आप, देह कौन सा है, आपके देही कौन सा है, देही आत्मा है, और देह जो हमारी ऊपर से जो पंचभौतिक शरीर जो है इसको देह कहा जाता है, है? देही कौन हो गया, आत्मा है। किंतु भगवान में देह और देही में कोई भेद नहीं है। आसन भगवान के देह अधिमें, इसलिए भगवान के विग्रह क्या कहा जाता है, सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। और भगवान में एक विशेष वैशिष्ट्य क्या है, समस्त इंद्र आदि के द्वारा समस्त सब प्रकार के कार्य वो करते रहते हैं, जीव में संभव नहीं है। हम केवल आंखों के द्वारा देख सकते हैं है, जिहा के द्वारा हम रस आस्वादन कर सकते हैं, पैर के द्वारा हम चल सकते हैं है, किंतु भगवान क्या है, भगवान समस्त इंद्रियों के द्वारा सब प्रकार कार्य कर सकते हैं, आंखों के द्वारा चल सकते हैं, आंखों के द्वारा वो खा सकते हैं। अंगानी जस्स सकल इंद्रिय वृत्ति बनती है, ब्रह्म संहिता है ना, जितने भगवत तत्व है सब इंद्रियों के द्वारा सब इंद्रिय ये सब कार्य कर सकते हैं। किंतु भगवान के परिकर जो है वो नहीं करते, वो केवल उसी इंद्रियों के द्वारा वही कार्य करे, ये वैशिष्ट्य दिखाया है। यद्यपि उनके सच्चिदानंद है, यहाँ पर थोड़ा है वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं है, क्या समझ में आ बताओ, भगवान और परिकर में ये वैशिष्ट्य है। भगवान जो है अपने सारे इंद्रियों के द्वारा सब कार्य कर सकते हैं, किंतु उनके जो परिकर है वो केवल एक ही इंद्रियों के द्वारा एक ही कार्य करेगा, वो हाथ के द्वारा देख नहीं पाएंगे है, किंतु भगवान हाथ के द्वारा दर्शन करेंगे है, हाथ के द्वारा ग्रहण करेंगे, हाथ के द्वारा चलेंगे। इसलिए भगवान और परिकर में ये वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं है? आशा तो जो हम लोग जब कह रहे हैं क्या बोले, गुरु के क्या कहा जाता है, भगवान की कृष्ण रूप बताया गया,
और वैष्णव के क्या कहा गया, शिक्षा गुरु के क्या कहा गया, भगवान के स्वरूप, रूप और स्वरूप है। गुरु के कहा जाता है, गुरु जो है ये भगवान के क्या हो गया, रूप हो गया, और वैष्णव क्या हो गया, स्वरूप हो गया। अच्छा, रूप स्वरूप में क्या अंतर रहा था फिर? कोई अंतर नहीं। पर क्यों अंतर नहीं है? आप जिसको गुरु मानते हो वो हमारे लिए क्या होता है, वैष्णव होता है। मैं जिसको गुरु मानता हूं, माने जिससे मैं दीक्षा मंत्र लिया, वो आपके लिए क्या हो गया, वैष्णव हो गया है। समझ में? आप जिससे दीक्षा मंत्र आदि लिया वो आपके क्या बने, गुरु बन गए है। दीक्षा गुरु एक होता है, है? और शिक्षा गुरु कितने होता है, अनेक होता है, है? दीक्षा गुरु एक, एक दीक्षा गुरु, मंत्र दीक्षा गुरु जो है वो एक होता है। किंतु यहाँ पर एक विचार, गुरु ही वैष्णव है और वैष्णव ही गुरु है, है? थोड़ा इसमें सिद्धांत सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। गुरु और वैष्णव में कोई भेद नहीं है। जो शुद्ध वैष्णव है वो हमारे गुरु है, तो उसके वैष्णव के क्या मानेंगे, शिक्षा गुरु के बारे में, शिक्षा गुरु के हम रूप में हम ग्रहण करेंगे। जैसे रूप गोस्वामी पाद हमारे निकट क्या है, शिक्षा गुरु है। और जिससे मैंने दीक्षा ली वो दीक्षा गुरु, इसलिए कहते हैं दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु कितने होते हैं, अनेक होता है। इसलिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुरु ही, गुरु के क्या कहा जाते हैं, वैष्णव के प्रधान माना जाता है, है? शिष्य गुरु के क्या मानते हैं, वैष्णव के प्रधान मानते हैं। इसलिए गुरु और वैष्णव में कोई भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं दीक्षा गुरु के जिन तुम्हें जानो ताहर रूप, और शिक्षा गुरु के जानिए तुम्हें ताहर स्वरूप, अंतर जमी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप है। ये समस्त विचार उन्होंने दिखाया। इसलिए वैष्णव सेवा ही गुरु सेवा, और गुरु सेवा ही वैष्णव सेवा। समझ में? ये गुरु सेवा ही वैष्णव सेवा है, और वैष्णव सेवा ही गुरु सेवा है। जो सदगुरु वही कहते हैं, ये वैष्णव सेवा करने से ही मेरा सेवा ही हो जाता है, है? आज जब मैं मथुरा में आया, मथुरा में इतने कड़ी धूप है, गर्मी शरीर के लिए मेरा ठीक नहीं था, बार बार मैं बीमार पड़ जाता था। विशेष करके इसी समय जो है मार्च अप्रैल मई में जो है कड़ी धूप पड़ते ना, अभी जैसे अप्रैल मई जून जुलाई ये चार महीने इतने मथुरा में। तो एक बार मेरे गुरुदेव श्री बावन गोस्वामी महाराज आए थे, मैंने गुरुदेव की कहा, ये गुरुदेव मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ कि मथुरा की जो है वेदर मुझे ये नहीं कर रहे हैं, सूट नहीं कर रहे हैं, है? क्योंकि बार बार मैं बीमार पड़ जाता हूँ, है? आज नहीं, कितने बार बीमार पड़ जाता है, वो चढ़ाना पड़ता है, क्या बोले, है? ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है अस्पताल में कितने बार, है? इसलिए मैंने गुरुदेव के निकट प्रार्थना किया, गुरुदेव आपके साथ मैं जाना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा, देखो मेरा सेवा और नारद महाराज की सेवा में कोई पार्थक्य नहीं है, भेद मत करो। तुम महाराज की जो सेवा करते हो, बार मठ मंदिर में सेवा करते हो, वो मेरा ही सेवा है, है? फिर गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज मुझे उपदेश दिया, है? समझाया, अरे नहीं, तुम्हें जो श्रीला गुरुदेव श्रीला नारायण महाराज जो सेवा दिया है, है? उसको सेवा करना ही पड़ेगा, है? यहाँ पर तुमको रहना पड़ेगा, है? दूसरे कहते क्या, बोले चलो शिष्य देव हमारे साथ चलो, है? किंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं नहीं, मेरा सेवा ही नारायण महाराज की सेवा है, है? हाँ सर जी, देखो वो तो वेदार जो है, वो तो अनुकूल हो जाए कुछ समय रहने पर, अनुकूल बढ़ जाता है, हो जाता है, है कि नहीं, वो तो सहन करना पड़ता है बस, है?
और ज़्यादा हो तो थोड़ा दो एक महीने के लिए उधर उधर कर दूँ। उधर उधर मतलब क्या है, कभी वृंदावन चले जाओ, फिर कहीं चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, है फिर मेरे गुरुदेव ने यही कहा है, किंतु तुम्हें सेवा करना है, नान महाराज के अनुगत्य में ही यही सेवा करो, क्यों गुरु सेवा, वैष्णव सेवा ही गुरु सेवा, समझ में आता ना, वैष्णव सेवा ही गुरु सेवा और गुरु सेवा ही वैष्णव सेवा, इसलिए गुरु और वैष्णव में कभी भेद करना नहीं चाहिए। जो गुरु और वैष्णव में भेद करते रहते हैं, ना उनकी कोई भक्ति होती है ना कुछ नहीं होती है, इसलिए गुरु सेवा ही वैष्णव सेवा और वैष्णव सेवा ही गुरु सेवा। मैं किसलिए कहते हैं, इसलिए मधुसूदन भक्ति कमल मधुसूदन महाराज इस ग्रंथ में जो लिखा है, उन्होंने अधिक रूप में क्या करते थे, वैष्णव सेवा के प्रति ध्यान देते थे। जैसे अभी बताया, जब वैष्णव आते थे मठ में, वैष्णव की सेवा करते थे, इसलिए उनके जीवन चरित में ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कैसे वैष्णव सेवा आदि की दिखाया। इसलिए कहता है, वैष्णव हमारे सेव्य है, हम उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि वैष्णव ही हमें क्या करते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, इसलिए वैष्णव के पास हमें जाना पड़ता है। किंतु तथापि शास्त्र में कहा गया, गुरु के प्रति कहीं अवज्ञा ना हो जाए, क्योंकि गुरु बाबू का पहले कहा गया शतांग निंदा, संत महात्मा की निंदा ना हो जाए, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। फिर शिव आदि देवता के साथ कृष्ण नाम के साथ, कृष्ण के साथ बराबर समझना, ये नाम अपराध में आ जाता। तीसरी अपराध क्या है, गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा क्या है, उनके प्रति मर्त बुद्धि रखना, ये गुरु अवज्ञा हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, गुरु आज्ञा झ विचारणीय, गुरु के आदेश जो है निर्विचार से पालन करो। और फिर कहते हैं, गुरु आज्ञा झ विचारणीय, गुरुदेव जो कहते हैं उसके विचार करके करो, दो अर्थ है, समझ में। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने गुरु गोरखदास महाराज जी कहा, जे मैं एक मंदिर जो कलकत्ता में एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, भक्ति श्री गोरखदास बाबूजी महाराज ने क्या कहा, अरे कलकत्ता नहीं, कली का स्थान है, है? कलकत्ता में मत जाओ, वहाँ मंदिर मत बनाओ। किंतु देखो, भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती प्रभुपाद पहले मठ कहाँ बनाया, बाग बाजार कलकत्ता में, जो बाग बाजार जो मठ है ना, वो पहली मंदिर उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर उनके ये भी देखा जाता है, जो गुरुदेव के जो है वचन के आदेश को उन्होंने उल्लंघन किया, गुरु अवज्ञा हो गया, बोले नहीं, गुरु आज्ञा झ विचारणीय, गुरुदेव की अंतर्हित भाव को जान करके सेवा करो। ऊपर से कुछ कहते हैं किंतु उसके अंतर हृदय को जान करके सेवा करो। ये भक्ति कमल मधुसूदन महाराज पहले वैष्णव के अनुगत्य में सेवा आदि किया, जैसे मैंने कहा उन्होंने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में प्रचार आदि किया है। और फिर उन्होंने क्या की है, अपने मठ भी बनाया है, विशेष करके उनके दो मठ प्रसिद्ध है, एक है वर्धमान में एक मठ बनाया और दूसरी मायापुर में उन्होंने एक मठ बनाया है। सेवा आदि दिखाया है, वैष्णव के प्रति प्रीति और साथ ही साथ गुरु और गुरु के प्रति निष्ठा, ये सब दिखाया उन्होंने है। उनके अपराजित जीवन चरित है सब है, किस प्रकार सेवा की भावना है और ये समस्त दिखाया।
समस्त गुरु भाइयों के प्रति उन्होंने क्या रखते थे, आदर रखते थे। सीधा गुरुदेव कहते थे जो माता पिता के सम्मान देना नहीं जानते हैं वो गुरु के क्या सम्मान देंगे। चैरिटी बिगिंस द होम। जो माता पिता के सम्मान नहीं देना जानते हैं वो गुरु वैष्णव के क्या सम्मान देंगे। उद्दंडता उश्रृंखलाता करके जीवन नहीं होता है। मठ मंदिर में रहने की एक विशेष वैशिष्ट क्या है, श्रृंखला के श्रृंखला को पालन करना, नियमों का पालन करना है। मठ मंदिर में रहने की यही तो विशेषता है, उश्रृंखल जीवन की नहीं है। समय के अनुसार पाठ प्रवचन में बैठना है, हरि कथा आदि श्रवण है, अध्ययन, ये समस्त होना चाहिए नियम के अनुसार। और हरिनाम ग्रहण, हरिनाम करना है, ये समस्त दिखा। इसलिए मठ मंदिर के मंदिर में रह करके नियम कानून के हम पालन करें है, उन्होंने ये भी दिखाया है। प्रभुपाद की जो विचार है, शुद्धा भक्ति प्रचार है, गुरुदेव के मनोभीष्ट क्या है, गुरुदेव की सर्वश्रेष्ठ मनोभीष्ट क्या है, उनकी जो इष्टदेव की विचार सेवा लोगों के निकट पहुंच देना, पहुंचाना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत तो प्रभुपाद कहते थे यदि मेरे पास पैसा होते मैं एक प्लेन खरीद लेती, हवाई जहाज खरीद लेती है। सब लोग कहने लगे प्रभुपाद क्यों आप ये कह रहे हैं, ये तो विषयी लोग तो कहते हैं। प्रभुपाद कहते थे देखो मेरे पास पैसा होते तो हवाई जहाज में बैठ करके जल्दी जल्दी महाप्रभु के वाणी को जो है पृथ्वी के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक मैं पहुंच दूं है। वास्तव में सत्य गुरुदेव के मनोभीष्ट क्या है, गुरुदेव क्या चाहते हैं, गुरुदेव ये चाहते हैं मैं जैसे भजन करता हूं सेवा करता हूं ठीक उसी प्रकार सभी लोग हैं सेवा करें हैं। ये सेवा दो प्रकार की होता है, एक होता है क्या बपू सेवा और एक होता है क्या सेवा, वाणी सेवा। बपू सेवा क्या है, गुरुदेव के लिए कपड़ा साफ कर दिया है, उनके लिए रसोई बनाया, उनके चरण दबा दिया, ये भी अच्छी बात है हैं। किंतु सबसे बड़ी सेवा क्या है, वाणी सेवा है, गुरुदेव के वाणी को जो है जगत में प्रचार करना, ये सबसे बड़ी सेवा है, इसे कहते हैं वाणी सेवा है। वाणी सेवा करे गुरुदेव से सुना तब तो सेवा करोगे ना, केवल शास्त्र पढ़ लिया सुन लिया बोल दिया है ठीक है शास्त्र पढ़ो, किंतु गुरुदेव के विचार को सुनो। जो गुरुदेव के विचार के नहीं सुना है केवल शास्त्र पढ़ करके वो प्रचार नहीं होगा है। मायावादी तो भी कम क्या है, विद्वान कम है क्या है, मायावादी और बाबाजी संप्रदाय लोगों के आप हरा नहीं पाओगे, इतने व्याकरण में ज्ञान है है। राधा कुंड में जाओ है एक सेकंड में तुम्हें छक्का छुड़ा देंगे, बोले इतने पंडित है सब है। आ समझे, मायावादी के जाओ भाई बाबाजी संप्रदाय जाओ, देखने में तो ऐसी है किन सब बड़े बड़े पंडित है सब है, व्याकरण में इतने विद्वान रखते ज्ञान रखते है, किंतु वास्तव जो शास्त्र के तात्पर्य वो लोग नहीं जानते है। वो केवल अपने व्याकरण है पाणिनि व्याकरण के शास्त्र के श्लोक के इधर से उधार उठा करके अपने व्याख्या करेंगे। इसलिए शुद्ध भक्त की अनुगत्य में भगवत कथा आदि श्रवण अध्ययन करने पर वास्तव रूप में आपकी समझ पाओगे है ये भागवत की तात्पर्य क्या है। मायावादी के पास जब भागवत भी तो पढ़ते हैं
और भागवत के इतने सुंदर कथा भी बोलेंगे, सब गोपी गीत सारे बता देंगे, अंत में क्या कहेंगे, सब ब्रह्म है, गोपियां भी सब ब्रह्म बन गए हैं, सब आत्मा और परमात्मा की मिलन ही रास है, है? सब आत्मा परमात्मा मिल गया माने एक हो गया, यही रास है। आप देखो बड़े बड़े पंडित भी ऐसी कहते हैं, श्लोक भी बता देंगे आपको, है ऐसे नहीं बताएंगे, है बड़े बड़े श्लोक भी बता दें, है किंतु इसलिए कहते हैं गुरु वैष्णव की विचार को, शुद्ध वैष्णव के विचार को हमें श्रवण करना है, है? जो गुरु वैष्णव के मुखारविंद श्रवण नहीं किया, है वो शुद्ध विचार को कहाँ बता पाएंगे, है आश्चर्य। इसलिए गुरु वैष्णव की अनुगत्य में रह करके उनकी विचार को हमें ग्रहण करना है, शुद्ध विचार को, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भागवत आदि अध्ययन आदि करने पर तो हम शुद्ध विचार को जो है समझ पाएंगे, और नहीं तो अपने पढ़ करके क्या होगा, कुछ नहीं हो, केवल अहंकार हो जाए, है। इसलिए भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज है, देखो प्रभुपाद की संग किया, फिर अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता की भी है, उनके अनुगत्य में रह करके भजन साधन किया, फिर उन्होंने क्या कि है मठ मंदिर आदि बनाया और प्रचार कार्य आदि किया, यही हमारी कर्तव्य है। गुरु प्रेमानंदे हरि जय जय भक्ति भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। काल हम लोग नित्यलब्ध भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि तथा उनकी भी जीवन चरित कथा हम श्रवण करेंगे। काल एकादशी भी है, बहुत अच्छा है, दोनों तिथि एक साथ में आए हैं, है गौर प्रेमानंद ने हरि आज।